अय खुदावंद, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? मुसीबत के वक्त तू क्यों छुप जाता है? शरीर के गुरूर के सबब से गरीब का तुंदई से पीछा किया जाता है। जो मंसूबे उन्होंने बांधे हैं वो उन्हीं में गिरफ्तार हो जाए, क्योंकि शरीर अपनी नफसानी ख्वाहिश पर फख्र करता है और लालची खुदा को तर्क करता है, बल्कि उसकी अहानत करता है। शरीर अपने तकब्बर में कहता है कि वो बाज़ उर्स नहीं करेगा। उसका ख्याल सरसराई यही है कि कोई खुदा नहीं, उसकी राहें हमेशा अस्तवार है, ये हकाम उसकी नज़र से बेज और बुलंद है। वो अपने सब मुखालफों पर हुनकारता है। वो अपने दिल में कहता है कि मैं जुम्बश नहीं खाने का, पुश्तदार पुश्त मुझ पर कभी मुसीबत ना आएगी। उसका मुंह लानत और दगा और जुल्म से पुर है, शरारत और बदी उसकी ज़बान पर है। वो देहात के कमीन गांवों में बैठता है, वो पोशीदा मुकामों में बेगुनाह को कत्ल करता है। उसकी आंखें बेकस की घात में लगी रहती हैं। वो पोशीदा मुकाम में शेर बब्बर की तरह दबक कर बैठता है, वो गरीब के पकड़ने को घात लगाए रहता है। वो गरीब को अपने जाल में फंसा कर पकड़ लेता है, वो दबकता है, वो छिप जाता है और बेकस उसके पहलवानों के हाथ से मारे जाते हैं। वो अपने दिल में कहता है खुदा भूल गया है। वो अपना मुंह छुपाता है, वो हरगिज नहीं दिखाएगा। उठाए खुदावन, आए खुदावन अपना हाथ बुलंद कर, गरीबों को ना भूल। शरीर किस लिए खुदा की अहानत करता है और अपने दिल में कहता है तू बाज पुरस ना करेगा? तूने देख लिया है, क्योंकि तू शरारत और बुगस देखता है ताकि अपने हाथ से बदला दे। बेकस अपने आप को तेरे सुपुर्द करता है, तो ही यतीम का मददगार रहा है। शरीर का बाजू तोड़ दे और बदकार की शरारत को, जब तक के नबूद ना हो ढूंढ ढूंढ कर निकाल। खुदावन अब्दुल आबाद बादशाह है, कौमें उसके मुल्क में से नाबूद होंगी। अय खुदावन, तूने हलीमों का मुद्दा सुन लिया है, तू उनके दिल को तैयार करेगा तो कान लगा कर सुनेगा कि यतीम और मजलूम का इंसाफ करे, ताकि इंसान जो खाक से है फिर ना डराए। आमीन। आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। शुक्रिया।